विरासत। नमस्कार, हमारे सांकेतिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने चक्रवात के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के हालात और हीट वेव पर की समीक्षा बैठक। पीएम आज अपने अगले 100 दिन के एजेंडे पर भी करेंगे गहन मंथन। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दमदार प्रदर्शन। अरुणाचल में मतगणना पूरी, प्रचंड बहुमत के साथ खांडू सरकार की वापसी। वहीं कांग्रेस का निराशजनक प्रदर्शन। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने किया क्लीन स्वीप, 31 सीट पर किया कब्जा। एसडीएफ की झोली में आई एक सीट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में कुछ ही समय में करेंगे सरेंडर। लोकसभा चुनाव तक के लिए दी गई थी मोहलत। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी होंगे आमने सामने। पहले मैच में अमरीका ने कनाडा को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कुछ हिस्सों में चक्रवात के बाद पैदा बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया गया। पीएम ने देश में गर्म लहर की स्थिति और मानसून की तैयारी की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए उचित अभ्यास नियमित आधार पर किया जाए। पीएम ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का अग्नि ऑडिट और विद्युत सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाए। बैठक के दौरान पीएम को जंगल की आग की समय पर पहचान करने और उसके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता के बारे में बताया गया। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती पूरी हो गई है। नतीजों में भाजपा को बम्पर बहुमत मिला है और पार्टी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशजनक रहा है और पार्टी राज्य में महज एक सीट ही जीत सकी। राज्य की सभी 60 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें भाजपा 46 सीटों पर, NPP 5, NCP 3, PPA 2, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजय रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई। मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए जो काम किए हैं, ये जीत उसी का रिफ्लेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से, और साथ साथ मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। अरुणाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए मतगणना हुई। इनमें बीजेपी को 46 सीटें, नेशनल पीपल्स पार्टी को 5, नेशनल कांग्रेस पार्टी को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और बाकी सीट्स अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को मिली। राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने इसके बारे में जानकारी दी। असेंबली इलेक्शंस जो रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर किए उसमें 46 भारतीय जनता पार्टी को, 5 उसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी, 3 नेशनल कांग्रेस पार्टी, 2 सीट्स पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाकी जो 3 हैं उनमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली। और 60 में से सारे 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट हम लोगों ने डिक्लेयर किए। किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट में देखी नहीं गई है, सभी जगह पे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से काउंटिंग की गई और कोई भी विक्ट्री प्रोसेशंस को हमने अलाउ नहीं किया था, इसलिए हर जगह पर हमें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी भय और पक्षपात के हम लोगों के यहाँ पर काउंटिंग संपन्न हुई है। और हम अपेक्षा करते हैं कि 4 जून को भी इसी तरीके के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी काउंटिंग को समाप्त करेंगे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पिंडसो नामग्याल लेप्चो ने जोंगो विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मुझे भारी अंतर से जिताया। मैं अपनी पार्टी अध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे टिकट दिया। जितना भी मेरा वोटर्स जिन्होंने सहयोग दिया है मुझे, इतना हाइज मार्जिन से मुझे विजयी करा दिया है, इसमें मैं आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट को भी मैं धन्यवाद देंगे, टिकट मिला इस बार सबसे ज़्यादा मतलब उम्मीद रखी इस बार मुझे सहयोग दिया है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और आगामी कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें सीटी रवि, एन रवि कुमार और एमजी मूले का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटी रवि, एन रवि कुमार, एस जी मूले के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाने वाली कर्नाटक विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव 13 जून को होने हैं। और दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ये कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के राजघाट दौरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 50 महिला कार्यकर्ताओं को आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को लगभग 100 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर कमला मार्केट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। और देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है। शनिवार को दिल्ली के रिज एरिया में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाल के दिनों में दर्ज 48 डिग्री सेल्सियस के आसमान छूते तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन मौसम की मार से बचने के बाद भी दिल्ली की जनता जल संकट से जूझ रही है और जनता को अब पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट के कारण दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त ना होने के कारण पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है वहाँ हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा।
साथ ही लोगों से पानी को बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और पानी की बर्बादी पाए जाने पर 2000 रुपए का चालान काटेंगी। साथ ही अवैध वाटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे। पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर एक महीने की अवधि के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का अनुरोध किया है। और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि राज्य प्रशासन द्वारा मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सुरक्षा निदेशालय के कोलकाता कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले आईपीएस अधिकारी अबारू रविंद्रनाथ की अगुवाई में निर्देश दिया गया कि निदेशालय के एक अधिकारी और दो कांस्टेबल सिविल ड्रेस में हर मतगणना केंद्र पर मौजूद रहेंगे। इस मामले को उठाते हुए सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से मांग की कि मतगणना केंद्र पर निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम और सातवें चरण के मतदान की समाप्ति के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां वे चिड़ियाघर में टाइगर के साथ नजर आए। सोशल मीडिया में योगी के इस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा यहां ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर हैदराबाद में शहीद स्मारक पर तेलंगाना आंदोलन के नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि साल 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग करके 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। और ईरान समर्थित यमन के हुथी समूह ने कहा कि हुथी ने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमरीकी विमानवाहक पोत, एक अमरीकी विध्वंसक और 3 जहाजों को निशाना बनाकर 6 अभियान चलाए। ईरान समर्थित समूह के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने इसकी जानकारी दी। समूह ने लाल सागर के उत्तर में अमरीका विमानवाहक पोत आइजनहावर को कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। याहिया सारी ने कहा कि ये पिछले 24 घंटों के दौरान वाहक के खिलाफ दूसरा लक्ष्यकरण अभियान था। गजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 चरणों वाला युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया है। बाइडेन के अनुसार इसे इसराइल ने ही तैयार किया है, लेकिन इस बीच एक बार फिर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया कि गजा युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास की शासन करने और युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया था कि इसराइल ने एक नया शांति रोडमैप पेश किया है। जो बाइडेन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि हमें युद्ध विराम को लेकर प्रारंभिक तौर पर हमास से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। और स्पैनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने 15वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोर्शिया डॉर्टमंड को 2-0 से हराया।
लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस लीग फाइनल में स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने जर्मनी के क्लब बोर्शिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रियल मैड्रिड ने अपने ही रिकॉर्ड को मजबूत करते हुए 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने में कामयाबी पाई। पहले हाफ में बोर्शिया डॉर्टमुंड रियल मैड्रिड पर भारी पड़ी। पहले हाफ में जर्मन टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने गोल करने के प्रयास भी किए। हालांकि रियल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की। रियल मैड्रिड के लिए दानी कारवाहल ने 74वें और विनीशियस जूनियर ने 83वें मिनट में गोल किए और अपनी टीम को जीत दिला दी। रियल मैड्रिड आगे बढ़ते हैं। रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने अपनी टीम द्वारा 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने का जमकर जश्न मनाया और मैड्रिड शहर में भी रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने अपनी टीम के चैंपियंस लीग जीतने का जश्न मनाया। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित किया जा रहा T20 क्रिकेट विश्व कप शुरू हो गया है। पहले मैच में मेज़बान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कनाडा ने अमेरिका के सामने जीत के लिए 195 रन का लक्ष्य रखा। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 60 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 182 रन बनाए। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 40 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी जर्मनी में आई बाढ़ में भारी क्षति हुई है। बैवेरियन राज्य के प्रीमियर मार्क्स स्वाइडर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। एक लिखित बयान में जर्मन आंतरिक मंत्री नैन्सी फेसर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे दल को धन्यवाद दिया और कहा कि 520 से अधिक सदस्यों को दक्षिणी जर्मनी में लोगों की सहायता करने के लिए तैनात किया गया। नैन्सी फेसर ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की कि वे अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चेतावनी संदेश को गंभीरता से लें। और खेल की ही खबरों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्री लीग में विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-0 से मात दी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और गुरजंत सिंह ने गोल किए। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर में मैच में ज़ेवरेव ने नीदरलैंड के टैलन ग्रीक्स पोअर को एक कड़े मुकाबले में 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 से हराया। और ग्रिगोर दिमित्रोव ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। दिमित्रोव ने तीसरे दौर के मैच में बेल्जियम के जीजू बॉक्स को 6-3, 7-6, 4-6, 6-4 से हराया। कजाकिस्तान की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। रायबाकिना ने तीसरे दौर के मैच में अलिजे मार्टिन्स को 6-4, 6-2 से मात दी। फ्रांस की बारबरा ग्रेचेवा ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में प्रवेश किया। ग्रेचेवा ने तीसरे दौर में इरीना कैमिलिया बेगो को 7-5, 6-3 से हराया। अरीना सबालेंका ने भी फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। सबालेंका ने पाउला बादोसा को 7-5, 6-1 से हराया। तो आइए इस सप्ताह की प्रमुख खेल खबरों पर एक नजर डालते हैं इस खेल दनादन में। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने इतिहास रच दिया। सत्यदीप एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में दो चोटियों को पार कर भी इतिहास रचा।
भारत की लड़कियों की अंडर 19 टीम ने कैंडी में मेजबान श्रीलंका को फाइनल में 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने एशिया जिमनास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जीत के साथ ही दीपा कर्माकर एशियाई जिमनास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलरों ने एक चैरिटी मैच में हिस्सा लिया। इस चैरिटी मैच के माध्यम से जो फंड प्राप्त किया गया उसे रियो ग्रैंड डो सुल के बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया गया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने अल एतिहाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। रोनाल्डो ने मैच में अल नस्र के लिए 2 गोल किए और सीजन का समापन रिकॉर्ड बनाकर किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड एंथनी मार्शल जून के अंत में अपना अनुबंध समाप्त होने पर क्लब छोड़ देंगे। 28 वर्षीय मार्शल 2015 में मोनाको से ओल्ड ट्रैफर्ड आए थे और तब से रेड डेविल्स के लिए 317 मैच में 90 गोल कर चुके हैं। एस्टन विला के मैनेजर उनाई एमरी ने 5 साल के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के साथ ही वे 2029 तक क्लब के मैनेजर बने रहेंगे। कोलंबिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आगामी दोस्ताना मुकाबलों से पहले अभ्यास में जुटी हुई है। कोलंबिया को जून के मध्य में अमेरिका और बोलीविया के साथ दोस्ताना मुकाबले खेलने हैं। ब्राजील के वेस्टहैम यूनाइटेड के मिडफील्डर लुकास पकेता ने कहा कि वे ब्राजील फुटबॉल संघ के आभारी हैं कि उन्हें कोपा अमेरिका के दल में चुना गया है। इंग्लिश एफए ने पकेता पर सट्टेबाजी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए चार्ज लगाए हुए हैं। प्रीमियर लीग क्लब एवर्टन ने कहा है कि क्लब के भावी मालिक 777 पार्टनर्स के साथ उनका करार रद्द हो गया है। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म शुक्रवार की समय सीमा तक अधिग्रहण पूरा नहीं कर सकी। माइक टायसन और जेक पॉल के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित फाइट अब 20 जुलाई के बजाय आगे बढ़ा दी गई है। टायसन की अल्सर की समस्या फिर से बढ़ गई है जिसके चलते फाइट की तारीख आगे बढ़ाई गई है। फ्रांस के सुरक्षा बलों ने पेरिस ओलंपिक के दौरान फुटबॉल स्टेडियम पर आक्रमण की योजना बनाने के मामले में एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। ओलंपिक से पहले फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था चरम पर है। 2 बार के एनबीए चैंपियन और बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य बिल वॉल्टन का निधन हो गया। वॉल्टन लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैंसास सिटी चीफ्स का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। कैंसास सिटी चीफ्स ने लगातार दूसरी बार सुपर बाउल जीतने में कामयाबी पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। तो हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दी। नमस्कार। कैकेयी ने क्या किया? सौतेले पुत्र को वनवास भेज दिया और अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया। यहाँ रीवा में महारानी ने अपने पति को ही रीवा से बर्खास्त कर दिया और बेटे को महाराजा बना दिया। हमें डिसीजन लेना होगा, हमें भारत में एक्सीड कर लेना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान का रत्न रक्षा